अलाउद्दीन का वो चिराग तो है नहीं कि बस ठीक है मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ बस दो मिनट में पहुंच जाऊंगा यहाँ। बड़ा गुस्सा आ रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हर चल तो रहा है गाइस बहुत, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ की, क्योंकि जो चीज हमें जितनी इजी दिखती है ना, एक कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। बहुत, जब हम कुछ चीज स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते ही आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि आप उस चीज को कर ना पाओ या मना कर दो कि भाई मेरी हिम्मत नहीं है, तो वो चीजें होती ही होती है एक्चुअल में। चाहे आप कितने भी चीजें कर लो, स्टार्ट कर लो, आप सच्चे मन से किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, और जैसे कि मान लो तबीयत खराब हो गया, मान लो हिम्मत की तबीयत खराब हो गई थी, तो दो तीन दिन मेरा ऐसा डिस्टर्ब रहा ना बिल्कुल बहुत ज्यादा, पर मैंने वर्कआउट किया ही। ऐसा नहीं है कि मैंने वर्कआउट छोड़ दिया, और बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरी खुद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे फीवर जैसी बॉडी लग रही है, दर्द और अलग से और चीजें, तो इतना इजी नहीं होता। टफ चैलेंजेस होते ही होते हैं किसी में भी, तो कोई बात नहीं। अब देखता हूँ, कोशिश पूरी पूरी मेरी है। कभी कभार मन में आता है कि क्विट कर दू, बोल दू ओपन लेके उसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर सोचता हूँ नहीं, जहाँ इतना आगे आ गया हूँ थोड़ा सा और हिम्मत और हिम्मत, तो अपने आप को पुश कर करके हिम्मत देके आगे बढ़ रहा हूँ। तो होप सो बस आप लोगों की विशेष चाहिए, बूस्टअप चाहिए, तो यस 75 हार्ड डे करना है पूरा भाई को। तो चलो पहुंचता हूँ घर, और छुट्टियां मेरी स्टार्ट हो चुकी है, तो आज ओवरऑल मैं अपने घर पर हूँ, अपने काम ही करूंगा, जो भी सारी चीजें अपनी प्लानिंग होगी। तो चलो घर पहुंचते हैं, हिम्मतता पहले से बेटर है, चलो। Few hours later. तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5, लंच वगैरह करके और अभी हम दोनों निकले हैं। एक्चुअली मुझे जाना है मार्केट की तरफ, मुझे बहुत सारे काम है और टाइम मिला तो थोड़ा मुझे अपनी हालत भी सुधरवानी है, तो होप सो टाइम मिल जाए। सर्दियों में ना ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल है ना सुस्ती छा रही है, क्योंकि वर्कआउट जब करते हैं ना, और जब तो ऐसा शरीर थक जाता है, बिल्कुल मन करता है फिर रेस्ट ही करो। तो क्या करना होता है सर्दियों में, बस अपने आप को जबरदस्ती पुश करके चलो भाई काम तो करने ही पड़ेंगे ना, हमारे बैठे बैठे काम तो हो नहीं जाएंगे। हम कोई, हमारे पास जादू की छड़ी तो नहीं है, हमारे पास अलाउद्दीन का वो चिराग तो है नहीं कि बस हमने रगड़ा और बस हमारे काम हो गए। तो हमें खुद ही अलाउद्दीन का चिराग अपना बनना पड़ेगा और सारे काम करने पड़ेंगे। तो बताता हूँ आप लोगों को अपडेट कि अभी किस काम के लिए जा। One hour later. तो गाइस मार्केट से फ्री होके टाइम तो मिल गया है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, तो मैं पहुँच के मुझे वापस जाना है, सामान मुझे उठाना है, मैं पहुँच गया हूँ। और सर तो हो गया है, ट्रिमिंग भी हो गई है, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ और हमें दूसरी जगह पहुँचना है, बिकॉज ऑफ कि मैंने एक ना काम दिया था जैसे बोर्ड बनवाने के लिए दिया था, तो वो मुझे अर्जेंट आज ही लेना है, आज ही अभी पिक करना है। तो देख लो भाई का हेयर स्टाइल, ट्रिमिंग वगैरह भी हो गई है, थोड़ा जंगली से मैं क्या बन गया हूँ, ह्यूमन नहीं कुछ और, कुछ अच्छा वर्ड, कुछ अच्छा, जंगली से मैं बन गया हूँ जेंटलमैन। चलो जेंटलमैन बन गया, चलो जल्दी से पहुंचते हैं, सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, डॉक्टर मैं लोग कमेंट कर देंगे। हाँ भाई अभी बैठा हूँ वैसे मैं गाड़ी में, जल्दी में सीट बेल्ट। हेमा दूध लाना है, हेमा ब्रेड लाना है, हेमा तो क्या लाना है, हेमा कुछ नहीं लाना है, हेमा ठीक है मैं आ रहा हूँ, हेमा मैं आ रहा हूँ, तो आ रहा हूँ बस दो मिनट में पहुंच जाऊंगा, हेमा बस दो मिनट फोन ही काट दिया। तो गाइस स्टूडियो पहुंच गए, बस पास में ही थे तो बस दूध लेने के लिए रुका था, तो पहुंच गए स्टूडियो, अब देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। ओके बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़े जल्दी फोन उठाया, मतलब काटा तो क्या करती, क्या करती, नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं लाना, आ जा हेमा, हेमा
हेमा खाना दे दे जल्दी हेमा खाना दे दूंगी हाथ मत लगाना हेमा मैं आ गया हेमा खाना दे दे जल्दी मैं आ गया टाइम दे लेट हो गया मतलब देर हो गई है गाइस भूख लग रही है बहुत जबरदस्त भूख जल्दी से मुझे खाना मिल जाए बस बोलो तो सही बोलो तो सही हाँ ये बोल दिया नमकीन है ये रोस्टेड जवे है सेवैया है ये धनिया पाउडर है ये नमक है ये जीरा है और ब्लिंक किट से और क्या आ सकता है और ये 8 फाइल है ये सिर्फ स्टील के लिए है बाकी स्टॉक में है जिसकी भर जाए फिर उसके उसके लिए होगी ले भर देती है फिर ये मोर वाली सर मोर नहीं ये फ्लावर है फ्लावर है तो फ्लावर वाली है क्लासमेट क्लासमेट की हो रही है इस बार मैंने हाँ और ये हमारा हीटर है और गाइस यहाँ सर्दियों में मजे लिए जा रहे हैं पकौड़ी के देखो पकौड़ियाँ बन रही हैं कड़ी के लिए गर्मा गर्म और ये हमारी कड़ी बन के तैयार हो रही है देख लो भाप उठ रही है कड़ी चावल तो आज खाने को मिलेंगे कड़ी चावल गर्मा गर्म पता है कहाँ तक कैसे मेरे तक पहुंची ये बात सिस्टी बोल रही थी आज मैं बहुत खुश हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ आज कड़ी चावल बन रहे है ओ बेटे आज कड़ी चावल बन रहे है और गाइस आज का जो मौसम हो रहा है यार सच में यहाँ पे तो धूप ही नहीं निकल रही है धूप तो जैसे कि सूरज भगवान तो ना रास्ता ही भूल गए जैसे दिल्ली में गुड़गांव में रास्ता ही भूल गए कि भाई धूप भी निकलनी है लोग मेरा इंतजार भी कर रहे हैं विटामिन डी भी लेना है या ठंड में धूप के सहारे होता है धूप का सहारा होता है देखो कपड़े भी कहाँ से सूखेंगे धूप ही नहीं निकल रही मौसम हो रहा है बस बेचारा कबूतर भी सुकड़ा पड़ा हुआ है देखो वो भी सुकड़ा पड़ा हुआ बैठा हुआ है तार पे क्या करे कैसे लग पैर मुंह पे लगा रहे हो अपना बताओ क्या करूं अब पूछना मेरे से मरीज की बंदूक ये क्या था आपको तो पढ़ते ही खराटे आते हैं तो मैं थाला रहता हूँ तो खराटे नहीं आएंगे हाँ तो किसी को आए चाहे ना आए नहीं किसी को आए चाहे ना आए आप भी थक जाए करो पढ़ते खराटे आएंगे काम धंधा करा करो दौड़ लगाया करो बाहर कोई और करता है काम धंधा काम करते हो लेकिन बाहर दौड़ वौड़ लगाया करो रनिंग किया करो ठीक है ओ शरीर दुख है थोड़ा ठीक है सारा काम खुद को अच्छा अब और मैं एक्सरसाइज के अलावा भी और काम करता हूँ ठीक है ना तो गाइस ठंड बहुत पड़ रही है आप लोग भी हीटर जला लो ऑन कर लो हाथ तापते रहो और है ना ये लोगों को याद करते रहो याद आ रही है इसको याद मुझे याद थोड़ी आ रही है अच्छा हाँ हिचकी मुझे आ रही थी मुझे कोई याद कर रहा है इसको है? कोई याद कर रहा है इसको हिचकी आ रही है तो हिचकियों हाँ। में मैंने ऐसे ही बोल दिया नाम तुक्का मार दिया और तुक्के से इसकी हिचकियां बंद हो गई देखो चलो ठीक है गाइस इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर रहे हो आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं जाता हूँ अपना जिम तो नेक्स्ट डे ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ दूसरा ब्लॉग अभी मुझे स्टार्ट करना है ठीक है बाय बाय गाइस।